5 घंटे 27 मिनट इतना टाइम एक एवरेज इंसान मोबाइल पर स्पेंड करता है, जबकि यंगस्टर दिन में 5 घंटे 42 मिनट स्पेंड करता है। तो अगर आप एक एवरेज इंसान हो तो आप अपनी ज़िंदगी के 19,710 घंटे सिर्फ फ़ोन को ही दे रहे हो, यानी करीब 821 दिन। क्या आपको पता है कि किसी भी फील्ड में बेस्ट ऑफ बेस्ट लेवल तक पहुँचने के लिए उस स्किल को 10,000 घंटे देने पड़ते हैं? यानी म्यूजिक में बेस्ट ऑफ बेस्ट बनना चाहते हैं, AR रहमान जितने लेवल तक पहुँचना चाहते हैं तो हमें 10,000 घंटे देने पड़ेंगे। बिजनेस में बेस्ट ऑफ बेस्ट बनना चाहते हैं, मुकेश अंबानी जितने अमीर बनना चाहते हैं तो हमें 10,000 घंटे देने पड़ेंगे। सचिन तेंदुलकर जितना बेस्ट बनना चाहते हैं तो भी हमें 10,000 घंटे देने पड़ेंगे। यदि 4 घंटे रोज किसी स्किल को सीखने में देते हैं 7 सालों के लिए, तो क्या आप जानते हैं कि हम कितने घंटे स्पेंड कर चुके होते हैं? ये नंबर आता है 4 × 365 × 7 = 10,220 hours। यानी हम बेस्ट ऑफ बेस्ट लेवल में पहुंच गए होंगे। यदि हम 4 घंटे 5 सालों के लिए भी देते हैं तो हम 7,300 घंटे उस स्किल को सीखने में दे चुके होंगे, और इससे हमारे आसपास वाले मैक्सिमम लोगों को पता चल जाएगा कि हम अपनी स्किल में अबव एवरेज हैं और मास्टर लेवल तक पहुंचने वाले हैं। अब सवाल ये आता है कि हम फ़ोन में 5-5.5 घंटे रोज़ बिता ही रहे हैं, तो उतना ही टाइम हम किसी स्किल को सीखने में भी तो लगा सकते हैं और अपने फील्ड में बेस्ट ऑफ बेस्ट बन सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सब करना इतना आसान नहीं है? हम अपना सबसे ज़्यादा टाइम फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेक्स्टिंग, इंटरनेट, ट्विटर और यूट्यूब पर स्पेंड करते हैं। इलॉन मस्क कहते हैं कि मैं सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ, स्पेशली इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम पर लोगों को लगता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं, जितनी वो जी भी नहीं रहे होते। लोग अपने इंस्टा में वो पिक्चर सेलेक्ट करते हैं जिसमें वो बहुत खुश लग रहे होते हैं, या अपनी फ़ोटो में इतने फिल्टर यूज़ कर देते हैं जिससे वो ब्यूटीफुल लगने लगते हैं, जितने वो एक्चुअल में होते भी नहीं हैं। बहुत ही कम लोग जो अपनी फ़ोटो में फ़िल्टर यूज़ नहीं करते, वो कम से कम ऐसी पिक्चर सेलेक्ट करते हैं जिसमें वो लाइटिंग या एंगल की वजह से बहुत अच्छे दिख रहे होते हैं। अब होता यह है कि जब हम फ़ोटो देखते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि यार ये तो बहुत खूबसूरत है, खुश है, और हम ना तो खूबसूरत हैं और ना खुश हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैं एक लूज़र हूँ। जबकि रियल में जिन लोगों की फ़ोटो देखकर आप दुखी हो रहे होते हैं वो खुद ही खुश नहीं हैं। और कई लोग जो बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में, वही लोग सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं अपनी रियल लाइफ में। अब इलॉन मस्क बोलते हैं कि हैप्पीनेस इक्वल टू रियलिटी माइनस एक्सपेक्टेशन, क्योंकि रियलिटी में सब वही हैं, एक कॉमन पर्सन। लेकिन होता ये है कि औरों के साथ खुद को कंपेयर करके हमारे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं, इसलिए हम और दुखी फील करने लगते हैं। यानी सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन से टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है, लेकिन हमारा तनाव भी बढ़ रहा है और पेशेंस भी कम हो रहा है, और कोई रियल में सोशल होना ही नहीं चाहता। साथ साथ बैठे भी हैं तो सब अपना फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं। पर अब सवाल ये आता है कि हम इन ऐप्स को छोड़ क्यों नहीं देते? सोशल मीडिया एप्लीकेशन में दुनिया के बेस्ट बिहेवियर साइकोलॉजी इस काम को करते हैं। किसी भी एप्लीकेशन को अट्रैक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, इसमें बहुत सी ट्रिक्स यूज होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ह्यूमन बिहेवियर ट्रिक यूज होती है, वो है इंपॉर्टेंस। आइए सिंपल शब्दों में इसे समझते हैं। हर एक इंसान को इंपॉर्टेंस की फीलिंग चाहिए। ये फीलिंग हम लोगों के लिए उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी होती है जितना खाना। क्या आपको पता है कि मैक्सिमम लोगों का कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट फेवरेट बन जाता है? क्या वो इसलिए है कि हमारा दिमाग उसके लिए ही बना था? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ इसलिए है कि हमें बचपन में इस सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंस मिली थी। हो सकता है कि हम इस सब्जेक्ट में 5-10 घंटे दे दिए होंगे और फिर हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर ने बोला होगा, वाओ यार ये तो तेज है मैथ्स में, हम खुश हो गए। और हमने दोबारा मैथ्स में 40-100 घंटे दे दिए। अब बाकी क्लासमेट से हम ज़्यादा टाइम देने लगे मैथ्स में, इसलिए हमारे टीचर ने हमारी तारीफ़ करना स्टार्ट कर दी और हमको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंस मिलने लग गई, और सब ने कहा कि ये तो नेचुरली टैलेंट है। वैसे ही सबको इम्पोर्टेंस चाहिए किसी ना किसी तरीके से। कोई अच्छे कपड़े पहनकर स्टाइल दिखा के इम्पोर्टेंस लेना चाहता है, कोई IAS की एग्जाम क्रैक करके इम्पोर्टेंस लेना चाहता है, और कोई लोगों की सेवा करके इम्पोर्टेंस लेना चाहता है। एंड दिस इज़ ट्रू। इसलिए सोशल साइट इन्हें सबसे आसान तरीका देती है इम्पोर्टेंस लेने का, और वो है लाइक्स एंड कमेंट्स। आप सच बताइए कि आपने जितने भी पोस्ट लाइक की थी उनमें से कितने लोगों की पोस्ट आपको एक्चुअल में अच्छी लगी थी? ऑब्वियसली हम में से बहुत से लोगों का आंसर होगा बहुत ही कम, क्योंकि सवाल ये है कि कोई हमारी पोस्ट लाइक करता है तो क्या वो हमें एक्चुअल में लाइक करता है? और शायद ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स को भी पता है कि कुछ लाइक्स लेकर आसानी से जब इम्पोर्टेंस मिल ही रही है तो हम कोई बड़ा काम करके इम्पोर्टेंस की फीलिंग क्यों लें? अब मेन सवाल आता है कि इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका एक ही सोल्यूशन है, डोपामिन डिटॉक्स, या जिसे हम कहते हैं डोपामिन फास्टिंग।
तो बेसिकली डोपामिन एक यूरा ट्रांसमीटर है, एक ऐसा केमिकल जो हमारे ब्रेन में रिलीज होता है जब हम कोई मज़े वाली एक्टिविटी करते हैं। अब आप लोग कहोगे ये तो अच्छी बात है। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। सोशल मीडिया से डोपामिन लेने में एक प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया हमारे ब्रेन को डोपामिन एंटीसिपेशन के लिए ट्रेन करता है। यानी हमें नोटिफिकेशन आएगी, समवन लाइक योर फोटोग्राफ। अब आप देखना चाहोगे कि वो समवन कौन है। अब दोबारा से उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चले जाओगे। जब ये बार बार रिपीट होगा तो हमारा ब्रेन ट्रेन हो जाएगा कि नोटिफिकेशन के आने पर हमें खुशी तो मिलती ही थी, डोपामिन रिलीज तो होता ही था। अब होगा ये कि जब भी नोटिफिकेशन की आवाज़ हमें सुनाई देगी तो नोटिफिकेशन को खोलने से पहले हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज कर देगा और शायद ही कोई इंपॉर्टेंट मैसेज भी नहीं आया होगा। और इस मोमेंट में हम एक पालतू जानवर की तरह ट्रेन हो जाएंगे और उसे छोड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और इससे बचने के लिए डोपामिन डिटॉक्स का रूल फॉलो करते हैं। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि हमें एक ऐसी जगह पर बैठना चाहिए जहाँ पर किसी भी प्रकार की फ़न एक्टिविटी नहीं हो रही होती और हमें खुद को भी किसी भी प्रकार की फ़न एक्टिविटी नहीं करना है, ना ही मोबाइल फ़ोन यूज करना है और ना ही म्यूजिक सुनना है। अब आइडिया ये है कि जब भी हम डोपामिन डिटॉक्स करेंगे तो हम डोपामिन थ्रेशोल्ड वैल्यू को कम कर पाएंगे और बोरिंग चीज़ें भी हमें अच्छी लगने लगेंगी। ऑब्वियसली इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का सवाल ये आता है कि ये कितनी देर करना चाहिए। वैसे तो आप इसे वर्थ या फास्टिंग कंसीडर कर सकते हैं और हफ्ते में एक दिन डोपामिन फास्टिंग कर सकते हैं, पर टू बी ऑनेस्ट जिन लोगों का काम डिजिटली ही चल रहा है उनके लिए एक दिन भी इन चीज़ों से ऑफ लेना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए हम एक दो घंटे भी इसे कर सकते हैं। यदि आप कोई इंपॉर्टेंट काम करते हैं या कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसमें आपको बहुत अधिक फोकस की ज़रूरत होती है तो उस वक्त अपना इंटरनेट ऑफ कर दो एक दो घंटे, कि एक दो घंटे के बाद हमें वैसे भी ब्रेक चाहिए होता है तो उस वक्त हमें नोटिफिकेशन वगैरह देख सकते हैं। ऑब्वियसली किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए हमें फीडबैक चाहिए कि हम कितना टाइम फ़ोन में स्पेंड कर रहे हैं और फ़ोन में क्या क्या कर रहे हैं, ताकि आप अपने को इम्प्रूव कर सकें। इसके लिए बहुत से एप्लीकेशन मौजूद हैं जिससे हम फीडबैक ले सकते हैं। वैसे आजकल ये फ्यूचर लगभग सभी फ़ोन में मौजूद होता है। अब कई लोगों को ये आइडिया थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि फ़ोन से छुटकारा पाने के लिए फ़ोन एप्लीकेशन यूज़ करना, ये क्या आइडिया हुआ। लेकिन हम रियल में स्टॉप वॉच लेके तो उस टाइम को मेज़र नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि एक एवरेज इंसान 5-5.5 घंटे रोज़ मोबाइल पर बिता रहा है, यानी 10 साल में 19,710 घंटे फ़ोन में वेस्ट कर रहा है, यानी 821 दिन। और ये बहुत ही डराने वाला आंकड़ा है, क्योंकि इतने टाइम में तो हम किसी भी चीज़ को जीरो लेवल से बेस्ट ऑफ बेस्ट तक पहुंच सकते हैं। यदि आप इतना टाइम किसी नई स्किल को सीखने में दो तो वो आगे चलकर हमें काम आ सकती है। और दोस्तों, आप ऐसे ही वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।